खबर पीलीभीत जनपद से है, जहां कलीनगर पूरे उत्तर प्रदेश में दो दिनों की साप्ताहिक बंदी होने के बावजूद पुलिस लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करा रही है। वहीं पीलीभीत की तहसील कलीनगर के मेन बाजार में भाजपा नेता नवनीत सक्सेना के भाई की किराने की दुकान है, जो कि साप्ताहिक बंदी होने के बाद भी शनिवार रविवार को कोरोना गाइडलाइन के नियमों को ताक पर रखकर पूरी दबंगई के साथ दुकान खोलता है और पुलिस के जवान को देख लेने की बात करता है। मामला कलीनगर के मेन बाजार का है। यहां राम प्रकाश किराना स्टोर के नाम की दुकान खुले होने की जानकारी कलीनगर पुलिस चौकी पर कांस्टेबल अंकुर कुमार को फोन के माध्यम से दी। तभी वहां मौके पर पहुंचे कांस्टेबल अंकुर कुमार ने जब विनम्रता पूर्वक कहा कि आपने दुकान क्यों खोल रखी है और साप्ताहिक बंदी का हवाला दिया, तो दुकानदार ने अपने भाई भाजपा नेता नवनीत सक्सेना को फोन कर दिया और नेताजी ने फोन पर अपना रौब झाड़ना शुरू कर दिया और पुलिस के जवान को अभद्र भाषा का प्रयोग कर अनाप शनाप कहने लगे कि तुम अभी मुझे जानते नहीं हो, तुम्हारे एसपी और डीएम से बात करूं, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, अपनी औकात में रहो, तुम्हारे जैसे बहुत से पुलिस वालों का ट्रांसफर करा चुका हूं। अब देखना यह होगा कि योगी जी के नेता कब काबू में होंगे और इन पर क्या कार्रवाई होगी। हाँ ये बताओ, क्या एक किसी ने कोई डायरेक्शन दे रखा है हाईवे को आपने ये फला दुकान को ही हमें टारगेट करना है? देखिए, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमें समझ देखो यार, हमको अभी है ना, अभी कहाँ क्यों रहे फोन यार, पूरी बात हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई आदेश है तुम्हारे पास? किसका आदेश है ये बताओ? सभी मार्केट से बात करूँ मैं, अभी डीएम साहब से एसपी से बात करूँ, आपके दुकान से बात करूँ? कर लीजिए ना, आप मना कर रहे हैं। मतलब हल्के में मैं किसी के उसके उसमें डायरेक्शन में भी आप एक बार बताओ यार, तुम बताओ ये सारे लोग हैं, सब लोग हैं, मतलब क्या? मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरे को टारगेट कर रहे हैं इस वक्त कलीनगर में, जैसे लोग हैं जिस टाइम लोग उस टाइम में गिनती में लाना सब पी, समझे? बात सुनिए आप मेरी, देख मेरी बात सुनिए, उनकी हर सैटरडे संडे दुकान जब भी हम जाते हैं तभी खुली रहती है, उनकी सबकी खुली रहती है, मेरे पास वीडियो पड़ी है, तो उनकी दुकान खुली हुई, हम उनको कहते हैं भाई बंद कर लो, उन्हें आगे कुछ गलत कहा होगा बता दे। ये बताओ अंकुर, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, अदरवाइज सुनी हो, एक अगर खास तौर से उसी को परेशान करा जाएगा तो आदमी टायर्ड होना बहुत दिक्कत नहीं है, पैसे की दिक्कत नहीं है, यह दुकान खोलने की बहुत सुनो, पैसे की तो कोई बात ही नहीं, हम किससे पैसे मांग रहे हैं बताओ ना आप? पैसे ये नहीं कह रहा है, पैसे को क्या फिर बताइए ना आप? यार मेरी बात नहीं, हम क्या कह रहे हैं तुम क्या समझ रहे? हम ये कह रहे हैं तो पैसे की तो है ना कि एक दिन बंद रहेगी दुकान तो उन्होंने घाटा हो जाएगा, ये नहीं कह रहे हैं हम, कह रहे लेकिन सबसे पालन कराओ ना, हर चीज से पालन कराओ, किसी ने एक बात बताइए आप, इस टाइम हम गए ठीक है ना, हम इस काम से गए थे और घूमते उधर से उनकी दुकान खुली तो उन्हीं तो कहेंगे ना सर? ये कलीनगर भैया, अंकुर तुम अभी मुजफ्फरनगर मतलब नहीं है हमें, हाँ समझे, इसमें तो नुकसान उठाएगा, मतलब फायदा क्या है? अरे भैया यार तुम क्या नुकसान उठाओगे आप, ये तो बताइए आप। अरे यार ट्रांसफरी तो कराओगे ना, हमारा करा दीजिए ना, ट्रांसफरी चैलेंज कर रहे हो आप, चैलेंज कर रहे हो आप, अब तो आप तो यार तुम समझो तो अपना एक वो तुम समझो, तुम जानो हम क्या जाने आ रहे हैं, तुम क्या कमाल की बात कर रहे हो यार, तुम कमाल की नहीं, हम ये बता रहे हैं आपको, हम आप बता रहे हो ठीक है ना? चलो ठीक है, मैं खुद देखूंगा आप कल दुकान किसकी खुल रही है, ठीक है? किसकी नहीं खुलवा रहा।